चैनल साबिर रामसेट गुड मॉर्निंग एंड आप लोग सब कैसे हैं ना वी आर ऑल फाइन और आप लोग भी ठीक होंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों का जो है ना ब्रेकफास्ट प्लस लंच। क्या आप लोग बोल रहे हैं सुबह सुबह क्या रूटीन शुरू कर मेरा ब्लॉग हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है। बच्चों का लंच बनाती हूँ जो प्रॉपर रूटीन होती है सारी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। सो आज मुझे पैन केक्स बनाने थे तो वही मैंने सारा बटर रेडी कर लिया और इसमें मैदा ऐड कर देंगे। ये बन चुका है और इसको भी बस देखते हैं टर्न करेंगे क्या हम हेयर इज द लंच रेडी क्योंकि आज मैंने इसके ना वो निकाल के उसे रखे हैं दूर देख सकती हैं पैन केक्स बना रही हूँ और एक बार साथ में की रहती है। तो हेयर इज द ब्रेकफास्ट। तो अच्छा जी अभी मैं क्या कर रही हूँ घर पे आ चुकी हूँ बेटे को लेके और हमने करना क्या है जी ये जो है ना चीज़ें तो मैंने कल तो नहीं किया था कुछ भी तो मैं सोचूँ आज लज़ानिया बना डालें कि इससे पहले ये चीज़ें ख़राब हो जाएं। थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो एक दिन बच्चे ना स्कूल अच्छा सा लंच ऐसा लज़ानिया लंच में भी ले जाएंगे और खा भी देंगे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है इवन दैट कि बेटे को भी बहुत पसंद है ये लज़ानिया तो और इवन हब्बी को भी बहुत पसंद है। सो आई विल मेकिंग दिस टुडे। सो हम बनाएंगे आज लज़ानिया शीट्स को करेंगे बॉयल और हम मसाले वगैरह रेडी करके रखेंगे बस शीट ही बॉयल करनी है बाकी काम सारे आसानी से हो जाता है चिकन भी जल्दी से हो जाएगा और हम गाजर भी यूज़ करेंगे ठीक है। टमाटर में मटर नहीं लगा लूँगी मेरा दिल नहीं है मटर डालने का तो चलो जल्दी से समेटती चीज़ें इतनी शरीर पर मुझे भूख लगी है बेचारा मैं चावल खाऊंगा मैं पूरे तकरीबन 3-4 दिन से चावल खा रही हूँ तो उससे होगा क्या कि मेरा जो ट्रैक है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा।
और गला मेरा इतना शदीद कोई ख़राब है ना, मेरे हस्बैंड को भी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं कि रोज़ चावल पकवा लेते हैं और हम भी खा लेते हैं। सो अभी बस मैं अपने बच्चे को चेंज वेंज करवाया है और मैं उसको लंच देती हूँ और साथ में फिर लज़ानिया शीट बॉयल लेने के लिए रखती हूँ ताकि वो बॉयल हो जाएँ तो फिर बाकी काम झटपट से कर लें। और पकाना क्या है मतलब, हाँ ये भी तो एक पॉइंट है, सालन भी तो पकाना है कुछ खाने के लिए, तो उसके लिए भी कोई दिमाग चलाते हैं कि क्या पकाया जाए। सो मैं सोच रही हूँ कि चने की दाल बॉयल करती हूँ, वो बना देती हूँ। सो झटपट से ना मैं चने की दाल निकालती हूँ, चने की दाल बॉयल करते हैं और वो पका लेते हैं। सो यहाँ जो है ना, मैंने ये देखें जस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है चने की दाल में हल्दी, टर्मिक पाउडर, और यहाँ मैंने पानी रखा है फॉर 10 लसानियाँ शीट बॉयल होने के लिए। सो मैं इसकी शीट चेक करूँ कि हाफ हाफ बना लूँ या फिर फुल आज बना लूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मैंने इनको लंच में ये दे देना है आगे, क्योंकि गर्मी हो जाएगी तो फिर जो है ना ये लंच में इस तरह की चीज़ें नहीं लेके जा सकते क्योंकि स्पाइसी होता है ना थोड़ा, तो ये फिर लंच में अगर लेके जाओ ना तो ख़राब हो जाती है। सो पहले तो हम लोग जो है ना हाफ ही बना लेते थे क्योंकि, और अब तो खैर चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, लास्ट टाइम भी मैंने विदाउट चीज़ बनाया था और इस बार भी मैं विदाउट चीज़ ही बना रही हूँ, लेकिन मैं जो हूँ ना इसके अंदर मिल्क ऐड कर लेती होती हूँ। तो अरे मिल्क तो ऑब्वियसली जाएगा ना, मिल्क तो जाता ही है, लेकिन फुल क्रीम मिल्क अगर आप ऐड करो ना तो फिर क्लास का बन जाता है। तो मेरे पास मिल्क ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आराम से इसकी सॉस भी तैयार हो जाएगी, मैं तो भूल ही गई थी, वरना अगर नहीं होता तो फिर ये नहीं बनती। तो मैं इसमें जस्ट नमक ऐड करके ना लज़ानिया शीट को बॉयल करूँगी और फिर ये बड़े मज़ेदार से लज़ानिया तैयार हो जाएगा हमारा। दीदी आज सीन क्या हुआ है कि हम लज़ानिया तो लेकर आए लेकिन अभी ऑब्वियसली खुद ही लेकर आए थे, मैं तो गई नहीं थी, इसमें कोई साश ही नहीं है हमारा। सो हमें सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, तो इट्स टेस्ट ऑन माई सेल्फ कि मैं किस तरह का लज़ानिया बना पाती हूँ विदाउट एनी पैकेट। सो इसका टेस्ट बड़ा मुझे पसंद था इसका, और अब मैं बना रही हूँ खुद से, ठीक है। ये सॉस का तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है, मैंने जो है मैदा लिया ऑल पर्पज़ फ्लोर और साथ में सॉल्ट ऐड किया है और ऑयल ऐड किया, इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया और जैसे इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो ये तो रेडी हो जाएगा, ठीक है। रही बात यहाँ, ये भी ऑलमोस्ट होने वाली है, यहाँ मैंने अपनी दाल रख दी है, सालन भी तो कुछ पकाना है तो वो पक जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही आसान है, बस कटिंग मैंने अभी ये करके रख ली है, बाकी कटिंग करनी है। कैबेज थोड़ी सी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, और हमारा जो है ना पेक पॉलर का मैदा भी ख़त्म हो गया है। सो ठीक है, और इसमें से ये थोड़ी सी डालूंगी और एक शिमला मिर्च एंड कैरेट हम यूज़ करेंगे जैसे। सो इसको बस रेडी करना है, ये अच्छे से हो जाएंगी ना तो फिर मैं करूँगी। तो इसको मैं भी थोड़ा सा कर रही हूँ, तो बेटी आई नहीं है स्कूल से, बस वो भी आने वाली है, और आपको पता है सैटरडे संडे के बाद जो मंडे होता है ना काफ़ी हैटिक होता है, और ऊपर से मेरी ट्यूशंस भी साथ में चलती हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हैटिक होता है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता नैप लेने का। सो काम जी हमारे साथ साथ जारी हैं, उम्मीद करूँगी कि व्लॉग आपको अच्छे लग रहे होंगे और ज़रूर सपोर्ट किया करें, आगे लाइक और शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। सो यहाँ सॉस रेडी है और यहाँ पर जो है ना बस ये रेडी होने वाला है, फिर इसमें लज़ानिया शीट ऐड करेंगे, सॉस लगाएंगे और झटपट से तैयार हो जाएगी। चीज़ अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं की, आगे मैं इंशाल्लाह भी मिल के आएगा तो चीज़ भी बना के रखूँगी। यहाँ लज़ानिया शीट लग चुकी हैं और मैंने इसको जस्ट दम पे देना है और तैयार हो जाएगी। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ दाल को, बस तैयार कर रही हूँ, मैंने तड़का रेडी करके दाल डाल दी है, मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी और पानी ऐड कर दूँगी, जितनी लिक्विड रखनी होगी ठीक है उतना करके बस। उलाज आप क्या कर रहे हो, बस ठीक हो जाते हो फिर उल्टे काम शुरू कर देते हो, चलो अंदर आओ जल्दी से अपना होमवर्क कर लो, आ जाओ बेटा। चलो बैठो बस मैं आ रही हूँ, बस मैं ये करा के ना बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, अभी ये बस रह गए तो इनको वॉश करूँगी और जो है मैं बच्चों को होमवर्क करवा दूँगी, फिर ट्यूशन के बच्चे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखें दाल मैंने बना ली थी और अब मैं क्या करने वाली हूँ, अभी तो खैर आए नहीं है, 7:30 होने वाले हैं, तो मेरा दिल है कि मैं रोटी बना लेती हूँ उनके आने से पहले पहले, तो फिर जब आएंगे तो फिर सैलेड वगैरह कट कर देंगे और सर्व कर देंगे।
सैलेड में खीरा ख़त्म हो चुका है, तो मैंने उनको बताया भी नहीं है। तो सुबह मैं जो हूँ, जब बेटे को छोड़ने जाएंगे ना, तब चीज़ें सारी मंगवा लूँगी इनसे। टमाटर ख़त्म हो चुके हैं पूरे के पूरे, मतलब सब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, तो फिर सब चीज़ें मंगवाऊँगी। मैं बना लेती हूँ रोटी यहाँ पर। आजकल बहुत ज़्यादा ना चीटिंग्स हो रही हैं ईद खाने में, कभी चावल तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब आउट ऑफ हुआ है। मुझे लगता है जो 59 पे गया था ना वेट, वो मेरा 1262 पे आ चुका होगा। तो अभी मैं रोटियां बना लेती हूँ। खाना रेडी हो चुका है तो अभी मैं सर्व करती हूँ। तकरीबन 8 हो गए हैं। ये देखिए लज़ानिया में आज चीज़ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा रूखा सा है और सॉस भी कम बनी, दूध नहीं था घर में। सो बस अभी हम जो है ना इसको करते हैं मज़े से इंजॉय। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद आप तक व्लॉग आता है, और दूसरी भी वीडियोस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। और मेरे 2K सब्सक्राइबर हों के लिए मुझे चाहिए थोड़ी से और सब्सक्राइबर्स। अभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं 1800, ऑलमोस्ट 70 को टच होने वाले हैं। सो आई नीड अ 100 समथिंग सब्सक्राइबर नीड फॉर द 2K। सो अपना बहुत सारा जो है ना, आपकी बहुत सारी जो है ना सपोर्ट के साथ ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। तो अपना थोड़ा सा और सपोर्ट शेयर कीजिएगा और मेरे 2K सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। सही है, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। यहाँ मैंने वैसे तो एंड कर दिया था व्लॉग, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ था, अभी मैं कट कर रही हूँ। पालक भी बॉयल करके रखूँगी और मिल्क भी साथ में बॉयल कर रही हूँ के लिए। और ये हो रहा है तकरीबन अब 10 का टाइम होने वाला है, रात के 10 बजने वाले हैं। और हमारे काम ना अभी चल रहे हैं, क्योंकि पालक ले आए थे अभी, तो फिर मैंने कहा बना के रख लूँ, बॉयल करके रख लूँ, क्योंकि फिर जो है ना ख़राब भी ना हो जाए पड़ी पड़ी ऐसी। सो अब मैं व्लॉग एंड करती हूँ सारे काम फिनिश करने के बाद, ठीक है।